It's in the air. Benjamin down there for it. The match is over. The West Indies have won. और इस आखिरी विकेट के साथ इंग्लैंड 46 रन पे ऑल आउट और वेस्ट इंडीज इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना लेता है। इंग्लैंड का ये सीरीज हारने का अहम कारण था वेस्ट इंडीज की घातक गेंदबाजी। इस गेंदबाजी यूनिट की सबसे अहम कड़ी थी सर कटली एम्ब्रोस, वो कैरिबियन गेंदबाज जो अपने करियर के ज्यादातर समय में ICC प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर रहा। 6 फुट 7 इंच की हाइट का ये तेज गेंदबाज जिनके गेंदों को तेज गति के साथ अच्छा उछाल भी मिलता था, ये उछाल अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को तंग करने लगा था। और एम्ब्रोस के साथी गेंदबाज थे कर्टनी वॉल्स, जो विश्व क्रिकेट के पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेट लेने के इस कीर्तिमान को अपने नाम किया था। और दिसंबर 1986 में कर्टनी वॉल्स ने श्रीलंका के खिलाफ अपने स्पेल में 5 अहम बल्लेबाजों को मात्र 1 रन देकर आउट किया था। वॉल्स और एम्ब्रोस की इस जोड़ी ने हर टीम के बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था और इन दोनों ने मिलकर 90s के दौर में वेस्टइंडीज क्रिकेट को गेंदबाजी में भी पहचान दिलाई। 90s के दौर में वेस्टइंडीज एक मजबूत टीम मानी जाती थी जहां बल्लेबाजी में सर विव रिचर्ड्स, ब्रेन लारा और रिची रिचर्डसन जैसे बलशाही बल्लेबाज थे, तो वहीं गेंदबाजी में मार्शल, एंटी रॉबर्ट जैसे गेंदबाज थे जो अपनी जबड़ा तोड़ने वाली गेंदबाजी के लिए विख्यात थे। अब इसी बॉलिंग लाइनअप में दो नाम और जुड़ चुके थे, कर्टनी वॉल्स और सर कटली एम्ब्रोस। दोनों की गेंदबाजी के सामने महान से महान बल्लेबाज भी कांपने लगता था। एक आर्टिकल में तो मैंने ये तक पढ़ा है कि सर कटली एम्ब्रोस विश्व क्रिकेट में अकेले ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी पर आज तक कोई छक्का नहीं मार पाया, लेकिन ये बात किसी भी ऑफिशियल या वेरीफाइड सोर्सेस से अभी तक सामने नहीं आई है। तो आज का ये दिन है 25 मार्च 1994 और इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज आई हुई है अपने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने और वेस्ट इंडीज क्रिकेट इस समय सब टीमों पर सर चढ़ के हल्ला बोल रही थी। पहला टेस्ट मैच जमैका में खेला गया जहां ब्रेन लारा की महत्वपूर्ण पारी और केट आर्थरटन के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज 407 का एक विशाल स्कोर बना लेता है। जवाब में इंग्लैंड 234 और 267 के स्कोर की बदौलत वेस्टइंडीज को मात्र 95 रनों का टारगेट देता है और वेस्टइंडीज 2 विकेट खोकर इस टारगेट को हासिल कर इंग्लैंड पर 8 विकेटों से विजय प्राप्त करता है। पहले टेस्ट मैच में कटली एम्ब्रोस को 2 विकेट मिलते हैं और लगभग 2 की इकोनॉमी से वो रन देते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में इंग्लिश बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ कटनी वॉल्स की सटीक लाइन और लेंथ भी उनको इस मैच में 4 विकेट दिलाती है। अब 1-0 से वेस्टइंडीज इस सीरीज में पकड़ बना चुका था। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 17 मार्च को गुयाना में खेला गया जहां इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए माइक एथरटन के शतक की बदौलत 322 रन बनाता है और जवाब में वेस्टइंडीज जड़ देता है 556 रन, जिसमें ब्रेन लारा और जिमी एडम्स शतक लगाते हैं और वेस्टइंडीज ये मैच 44 रन और एक पूरी इनिंग से जीत जाता है। कटली एम्ब्रोस की दहशत इंग्लैंड खिलाड़ियों के खेल में साफ देखी जा रही थी। इस मैच की दोनों इनिंग में एम्ब्रोस 2 से भी कम की इकोनॉमी से 4-4 विकेट लेते हैं। एम्ब्रोस की ऊंची लंबी कदकाठी और उनके आग उगलते बाउंसर्स इंग्लैंड बल्लेबाजों का मनोबल तोड़ रहा था। एम्ब्रोस और कटनी वॉल्स अब तक इंग्लैंड के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुके थे। अब इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज में पहले 2 मैच गंवाकर सीरीज हारने की कगार पर था, इसलिए इंग्लैंड के लिए सीरीज का ये तीसरा मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया था। सीरीज का तीसरा मैच शुरू हुआ और ये मैच इंग्लैंड के लिए एक डू और डाई मैच था। पहले बल्लेबाजी करने आए वेस्टइंडीज को इंग्लैंड ने 252 रनों पर रोका और खुद 328 रन बनाकर इस अहम मैच में 76 रनों की लीड ले ली। यहाँ भी कटली एम्ब्रोस, कटनी वॉल्स और बेंजामिन ने इंग्लैंड को काफी तंग किया। एम्ब्रोस ने इस मैच की पहली इनिंग में 5 विकेट लिए और इंग्लिश बल्लेबाजों की जमकर खबर ली, लेकिन इंग्लैंड के पास अब भी 76 रनों की बढ़त थी। अब वेस्टइंडीज अपनी दूसरी इनिंग खेलने मैदान में आता है और 269 रन बनाकर इंग्लैंड को मात्र 193 रनों का लक्ष्य देता है। अब इंग्लैंड के पास इस सीरीज में वापसी करने के लिए ये अच्छा मौका था, लेकिन अभी भी उनके सामने चुनौती थी कटली एम्ब्रोस और कटनी वॉल्स की प्रबल गेंदबाजी को फेस करने की। इंग्लैंड के लिए ओपन करने आए माइक एथरटन और एलेक स्टीवर्ट। पारी की पहली गेंद माइक एथरटन के पैड पर लगी और एथरटन को अंपायर ने LPW आउट दे दिया। इंग्लैंड 0 रन पर अपना पहला विकेट गंवा चुका था और एम्ब्रोस को मिली उनकी पहली विकेट।
लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राम प्रकाश ने इंग्लैंड के लिए पहला रन तो बनाया, लेकिन वो खुद की गलती से रन आउट हो गए। पहली इनिंग में 5 विकेट लेने का कॉन्फिडेंस यहाँ कटली एम्ब्रोस की गेंदबाजी में साफ झलक रहा था, जब उन्होंने अपने अगले ओवर में स्मिथ को बिना खाता खोले बोल्ड मार दिया। 193 के इस टारगेट को एम्ब्रोस की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के लिए काफी बड़ा बना दिया था। मानो इंग्लैंड डर के बल्लेबाजी कर रहा था। एक के बाद एक इंग्लैंड खिलाड़ी आते गए और एम्ब्रोस और वॉल्स की इस मारक गेंदबाजी का शिकार होते गए। दोनों की ये जोड़ी वेस्टइंडीज के शानदार पेस अटैक की अंतिम जोड़ी मानी जाती है। इंग्लैंड के लिए विकेटों का सिलसिला जारी रहा और एम्ब्रोस ने ग्रेहम टॉर्पी को बोल्ड मार के इंग्लैंड को 40 रनों पर 8वां झटका दिया। इंग्लैंड यहां अपने टेस्ट करियर के न्यूनतम स्कोर पर ऑल आउट होने वाला था। इंग्लैंड के आखिरी दो बल्लेबाजों पर कर्टनी वॉल्स ने अपना शिकंजा कसा और क्रिस लेविस के इस अंतिम विकेट के साथ इंग्लैंड 46 रन पर ऑल आउट हो गया। इंग्लैंड खेमे में निराशा थी, भय था और मायूसी थी, क्योंकि 193 का स्कोर हासिल ना करके इंग्लैंड ये सीरीज तो गवा ही चुका था, लेकिन 46 रनों पर ऑल आउट होकर इज्जत भी गवा चुका था। इंग्लैंड की तरफ से बस एलेक स्टुअर्ट एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनके रन्स डबल डिजिट में थे, और इन 46 रनों में से 7 रन तो एक्स्ट्रास के ही थे। आज का ये स्कोर इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में सेकंड लोएस्ट स्कोर था। इससे पहले इंग्लैंड 1887 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 45 रन पर ऑल आउट हो चुका था। इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड सीरीज तो गवा ही चुका था, लेकिन कटली एम्ब्रोस का भय इस कदर इंग्लैंड के मन में घर कर गया था कि यहाँ इंग्लैंड की व्हाइट वॉश की भी उम्मीदें जताई जा रही थी। लेकिन अगले दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने वापसी करी और चौथा मैच जीतकर और पांचवा मैच ड्रॉ करवाकर इस सीरीज को 3-1 पर फिनिश किया। लेकिन ये इनिंग इंग्लैंड को सदियों तक याद रहेगी, और ये गेंदबाज भी जिसने इस इनिंग में 6 विकेट लेकर अपना सेकेंड बेस्ट स्कोर दर्ज किया। इससे पहले कटली एम्ब्रोस ने 1993 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 1 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जहां से उनको कटली एम्ब्रोस से सर कटली एम्ब्रोस की उपाधि भी मिली थी। इस सीरीज में एम्ब्रोस 26 विकेट लेकर सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। इसके बाद भी एम्ब्रोस का यह घातक बाउंसर्स डालने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इंजरीज भी एम्ब्रोस के क्रिकेट करियर में बाधाएं बनकर आती रही, और 1999 का वर्ल्ड कप एम्ब्रोस का आखिरी वर्ल्ड कप था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 7 विकेट लिए। इसके बाद सर कटली एम्ब्रोस को चोटों ने लगातार परेशान किया और वर्ष 2000 में एम्ब्रोस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और अक्टूबर 2010 में सर कटली एम्ब्रोस का नाम ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी दर्ज किया गया। उनको क्रिकेट एरा का डायमंड भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट के ऐसे ही मजेदार किस्से नियमित रूप से लेकर आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।